हमने आपको सुनाया, उन्होंने कहा कि इससे सांप्रदायिक भावना बढ़ती है। ये अब जो जरूरत है बढ़ते भारत की, विकसित भारत की, वो यही है कि यूसीसी हो और एक कानून हो। इसे गलत बताया है, कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। मुस्लिम पर्सनल लॉ से समझौता नहीं करेंगे, ये भी AIMPLB ने साफ साफ कर दिया है। हमारा परिवार शरिया कानून पर आधारित है और इसी पर चलेगा, ये कह दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया पर बीजेपी नेताओं ने भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने एक बार फिर सेक्युलर सिविल कोर्ट की वकालत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं करना चाहिए। हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अगर एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं मानेंगे? क्या हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून? यहां एक देश एक कानून, इसीलिए सेकुलर यूसीसी। इससे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, इनको मानना चाहिए। क्या देश में शरिया कानून चलेगा क्या? मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान आप सुन रहे थे, और साधु संतों में भी इस टिप्पणी के बाद AIMPLB ने जो कहा है उसको लेकर गुस्सा है और विरोध वो जता रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि जब देश एक है तो अधिकार भी समान होने चाहिए। क्या कुछ कहा महाराज चक्रपाणी ने, सुनिए। भाई, समान नागरिक संहिता जो सबको न्याय देता है, सबको बराबर का अधिकार देता है, तो उसको अस्वीकार यानी तत्काल खारिज करना ये अपने आप में निंदनीय है। और जिसको उसमें कमी बेसी लगता है तो उस पर अपनी विचार दे, लेकिन सीधे उसको खारिज कर दे कि सबको बराबर का अधिकार नहीं देता है, तो देने वाला कानून का हम विरोध करते हैं, तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है। और जो संविधान को नहीं मानेगा, जो समान नागरिक संहिता कानून को नहीं मानता है, वो विशेष कानून चाहता है, तो विशेष कानून वाला चले जाए इस्लामिक देश में। यहाँ शरिया कानून तो है नहीं कि तुम आपको विशेष दर्जा मिलेगा। भारत में रहना होगा तो निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता को मानना होगा। तो आपने ये प्रतिक्रिया सुन ली। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंजलि जुड़ गई हैं लाइव, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंजलि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब वक्त हो गया है कम्युनल से सेक्युलर पाथ की ओर बढ़ने का, लेकिन इस पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, इससे साफ हो जाएगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, तो फिर परेशानी क्या है मौलानाओं को? बिल्कुल, देखिए, जहां एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात का जिक्र कर रहा है कि आर्टिकल 25 हमें इजाज़त देता है धर्म को मानने की और कानून का पालन करने की, तो दूसरी तरफ संविधान का अनुच्छेद 44 जिसमें ये जिक्र है समान नागरिक संहिता का, और इसी का जिक्र शायद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बातों में किया है कि सेकुलर कोर्ट की ओर बढ़ना चाहिए। अब ये समय आ गया है, क्योंकि जब ये देखा जाता है कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो जब भी कोई मामला होता है सिविल मामला, चाहे वो शादी तलाक, यहाँ पर प्रॉपर्टी, इस तरह के जो मामले होते हैं उसके लिए लोग पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर ही जाते हैं। तो जाहिर तौर पर अलग अलग नियम होने की वजह से कानून प्रणाली जो है वो प्रभावित होती है, और यही कोशिश है अब केंद्र सरकार की, देश में अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी अलग अलग संस्कृति के बीच एक ही नियम लागू हो जाएगा, और इससे सरलता और सुगमता भी आएगी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी जाति समुदाय हो, इनमें विविधताएं नहीं आएंगी, यानी कि जो निरपेक्षता पाई जाती है वो नहीं आएगा। और इसी बात का पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन जिक्र भी किया था। हालांकि इससे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जताई है, आपत्ति जताई है कि 1937 में ये एक्ट बना था और इसी वजह से ये एक्ट बनाया गया था कि जो हमारा धर्म है, जो शरीयत कानून है, उसका पालन किया जा सके, जो हमारे अलग अलग नियम है उसका पालन किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस तैयारी में है कि सभी के बीच, यानी कि सभी वर्ग समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही एकमात्र उद्देश्य है, ताकि जो आगे कानून प्रणाली है वो अलग अलग नियम होने की वजह से प्रभावित ना हो सके। बैक टू
स्टूडियो। बिल्कुल अंजलि, और इस वजह से ये मांग भी की जा रही है और अलग अलग बातें भी कही जा रही हैं। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। आपको हमने बताया कि क्या कुछ प्रतिक्रिया पूरे मामले में अब तक सामने आई है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है और क्या अब AIMPLB की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन भारत की बात करें तो UCC कहां कहां लागू है और कहां कहां फॉलो की जाती है, यूनियन सिविल कोड। उत्तराखंड में UCC लागू है, हाल ही में लागू हुई थी। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में भी है और बहुत लंबे समय से 1964 से ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो किया जाता है और वही लागू भी है। तो देखिए, भारत के अलग अलग जगहों पर अब बात कही जा रही है इसे अपनाने की, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और जहां विरोध हो रहा है ऐसे भी कई राज्य है, चाहे बात कर्नाटक की हो, वेस्ट बंगाल की हो, और वहां पर कहा जा रहा है कि इसको लागू ना किया जाए। वो बयान भी हम आपको सुना रहे थे जो मौलाना की तरफ से आए हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे, और जो साधु संतों ने कहा वो आपको बता रहे थे। इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, ओवरऑल एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। पीएम मोदी ने लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड को देश की जरूरत बताया था। सिविल कोड में सेक्युलर शब्द जुड़ते ही विरोधियों की नींद उड़ गई। पीएम के इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा बैठक कर सिविल कोड का विरोध किया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार और संवैधानिक फैसलों के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से आवाज बुलंद कर रहा हो। चाहे 3 तलाक का मसला रहा हो या फिर गुजारा भत्ता का मामला, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन फैसलों के खिलाफ धर्म की दीवार खड़ी करके कुप्रथाओं पर पर्दा डालने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सवाल यहाँ ये उठता है कि जब भारत के संविधान ने सभी को एक कानून के दायरे में रहने की व्यवस्था की है तो आखिर क्यों एक वर्ग को इस पर आपत्ति है। जब देश में सुविधाएं, व्यवस्थाएं और योजनाओं का निर्माण धर्म के आधार पर नहीं किया जाता तो कानून धर्म के आधार पर किसी को खास प्राथमिकता कैसे दे सकता है। यही वजह है कि लाल किले की प्राचीर से पीएम का यूसीसी को लेकर किया गया जिक्र मौजूदा हालात में और भी जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर छिड़ी बहस पर ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब आपको बताते हैं, यूसीसी अगर लागू होता है जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो फिर क्या बदलेगा, क्या बदलाव होगा और इसको लेकर AIMPLB की तरफ से क्यों मनाही की जा रही है, बदलाव क्या होगा, सबसे पहले वो बताते हैं। मुस्लिम में बहुविवाह की प्रथा बंद हो जाएगी, एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकती, बहुविवाह की प्रथा बंद हो जाएगी। इसके अलावा हलाला की बात हो या इधर जैसी कुप्रथा पर भी रोक लग जाएगी, जिसको लेकर कई शिकायतें, कई केसेस सामने आते हैं, वो भी बंद हो जाएगा जो शरिया कानून के अनुसार फॉलो किया जाता है। कुप्रथा पर रोक लगेगी, लड़के लड़कियों की शादी की उम्र तय कर दी जाएगी क्योंकि शरिया कानून के अनुसार 13 साल है और इस पर भी बंद इसको करते हुए इसको बदला जाएगा, अपडेट किया जाएगा। बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लग जाएगी और इसे भी बंद